हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फिर से वीडियो में दोस्तों आपकाज के सामने क्या समस्याएं थी तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय दोस्तों साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्यागी ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन दोस्तों जर्मनी दोस्तों जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए सांचे के में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया दोस्तों इसी सिलसिले में बाईमर में एक दोस्तों राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और दोस्तों संघीय आधार पर एक लोकतंत्रीय संविधान पारित किया गया दोस्तों नई व्यवस्था में दोस्तों जर्मन संसद यानी दोस्तों दोस्तों राइ दोस्तों राइ स्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा दोस्तों प्रतिनिधियों को दोस्तों प्रतिनिधियों के निर्वाचित निर्वाचन के लिए औरतों दोस्तों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया दोस्तों लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था और दोस्तों इसकी एक वजह तो यह थी कि दोस्तों पहले युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर दोस्तों बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं और दोस्तों मित्र राष्ट्रों के साथ दोस्तों वर्षाएं में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर थी और दोस्तों अपमानजनक थी दोस्तों बहुत सारे जर्मन जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि बरसराय में हुए अप दोस्तों अपमान के लिए दोस्तों भी बाइमा गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों राजनीतिक स्तर पर बाइमा गणराज एक नाजुक दौर से गुजर रहा था जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है सबसे पहला है बाइमा संविधान में कुछ ऐसी कमियां हैं दोस्तों जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन बन सकता था दोस्तों इनमें से एक कमी दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी दोस्तों इसका दोस्तों इसका इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था दोस्तों हर बार गठबंधन सरकारी सत्ता में ही आ रहा सत्ता में आ रही थी दोस्तों दूसरी समस्या अनुच्छेद अड़तालीस की वजह से भी जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल आपातकाल लागू करने नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था तीसरा है दोस्तों अपने छोटे जीवन काल में बाईमार गणराज्य के सका शासन बीस मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और दोस्तों उनकी औसत अवधि दो दिन से ज़्यादा नहीं रही दोस्तों इस दौरान अनुच्छेद 48 को का भी जमकर प्रयोग किया गया दोस्तों पर एक प्रयासों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि दोस्तों उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक नहीं शेयर करना चैनल पर सब्सक्राइब करना भूलिए चले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक तो नमस्कार जहन जबात बंदे मात्रा दोस्तों